तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महा सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम की करुणामाला विनती में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए और आपके परिवारों के लिए। प्रभु यीशु हम सभी लोगों पर अपनी दया प्रदर्शित करें। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो मेरे पास आता है वो अंधकार में नहीं भटकेगा। प्रभु ये कहता है कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से नहीं, परंतु प्रभु के शब्द ने तुम्हें चंगा किया है। आज की ये दोपहर की ये करुणामाला विनती मैं सभी लोगों के लिए जो बीमार हैं समर्पित करता हूँ। प्रभु से दया की याचना करता हूँ। जो लोग निराश हैं, टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, प्रभु उन्हें हिम्मत और सांत्वना दे। आप जो सुखी हैं, जो आनंद में हैं, प्रभु की महिमा के गीत गाते जाएं। इन्हीं तमाम निवेदनों को हम प्रभु के चरणों में रखें और आज की इस करुणामाला विनती में आर्त निवेदनों के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। मरियम कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कातिक कलीसिया, धर्मियों की सेवादिका, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। प्रभु का वचन कहता है अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना और निवेदन करते रहें और सब संतों के लिए आप विनती करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। दया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप लोग हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं और इस वक्त दया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश नवाने हे प्रभु, शरण भेद
हम याद करेंगे प्रभु के पांच घावों को। बड़ी बड़ी कीलें प्रभु के हाथों में ठोकी गईं और उन्होंने उफ तक नहीं कहा, गाली के बदले गाली नहीं दी, दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल कर दिए, थप्पड़ मारने वालों के सामने अपना मुंह कर दिया, उनकी बगल को बर्छी से छेदा गया, उनके पैरों में कील ठोकी गई, उनके शरीर से रक्त की एक एक बूंद जो बहती गई वो मेरे और आपके गुनाहों की कीमत उसने चुकाई। हम उन पांच घावों के द्वारा बचाए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। यीशु का लहू चंगा कर सकता है, यीशु के लहू में सामर्थ है। यीशु का लहू जो कलवरी से बहा मेरे और आपके लिए, उससे हमने शिफा पाई है। इसलिए इस दूसरे भेद में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिनके शरीर पर घाव है, हृदय पर घाव है, जो मानसिक रूप से लाचार हैं। हे प्रभु, इन पर दया कर, इन बीमारों को चंगाई प्रदान कर, सारी मानव जाति को तेरे पवित्र लहू से मसा कर। इस वक्त हम प्रार्थना करें, प्रभु से दया की याचना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वर का तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी रोगियों पर दया कर, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Oh,
समझा प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का लहू बड़ा कीमती है। वो लहू जो उसने मेरे और आपके लिए बहाया, जो हमने कलवरी पर वो नजारा देखा, उस लहू से हमें शिफा मिली और हम चंगे किए गए हैं। हम सारी मानव जाति के पापों के लिए क्षमा की याचना करें, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे। जाने अनजाने में जो हमारे परिवारजनों से पाप हो गए हैं, प्रभु के चुने हुए दास दासियों से पाप हो गए हैं, उनके लिए क्षमा की याचना करें। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहता है, सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, इसलिए सबको प्रायश्चित करना अनिवार्य है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु बाइबल हमें बताती है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि हम किस तरह से उसकी हजूरी में आ जाए। आज परिवार टूटे हुए हैं अनेक अपराधों पापों के कारण। प्रभु का वचन कहता है स्रोत संख्या 41 में कि आप में से बहुत सारे लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हैं। आप में से बहुत से लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार हैं, अपने पापों के कारण बीमार हैं। प्रभु नहीं चाहता कि कोई बीमार हो। आइए हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए क्षमा की याचना करें और कहें, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। घुटना टेक सकते हैं तो टेकें, हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे मेरे ईश्वर मेरे नाथ, हे मेरे ईश्वर हे मेरे नाथ, हे मेरे ईश्वर मेरे नाथ, हे मेरे ईश्वर मेरे नाथ, दया करना दया करना
मेरे नाम, मेरे ईश्वर मेरे नाम, हे मेरे ईश्वर मेरे नाम, हे मेरे ईश्वर मेरे नाम, दया करना चौथा भेद हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से वे लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं, आईसीयू में हैं, भयानक दुख सहन कर रहे हैं, रोग शैया पर हैं, लकवे से पीड़ित हैं, शरीर के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, गुप्त रोगों से पीड़ित हैं, हृदय के रोग से पीड़ित हैं, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, हृदय के रोग, लीवर, किडनी के रोग, स्किन के इन्फेक्शन, बवासीर, भगंदर, रक्तस्राव, लिकोरिया, सफेद दाग, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से ये जल जाएं, यरीको के अंधे के जैसे पुकार पुकार कर करें, ओ ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे माँ पर दया कर, पिता पर दया कर, भाई बहनों पर दया कर, मेरे रोगियों पर दया कर, मेरे याजकों पर दया कर, पुरोहितों, धर्म संगियों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं पर दया कर। हे प्रभु, हम तुझसे दया की याचना करते हैं, इसलिए आपका जवाब होगा, हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर, हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वर का तुझे चढ़ाते हैं, उनके दुखों के नाम पर हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर, हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। पापी हैं हम, अज्ञानी हैं, 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 दया करना मेरे अब्बा, दया करना
मेरे ना, हे मेरे आबा मेरे संख्या 41 पद संख्या 4 और 5। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु रोगशैया पर रोगी को शांत बना देता है और रोगी का बिस्तर बदलता है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु धर्मी की हड्डियों की रक्षा करता और अपने भक्तों के घर में डेरा डालता है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि वह दुखियों को दिलासा देता है। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से अपने आप के लिए कि प्रभु हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान करें। हम जब निराश होते हैं तो हमें सांत्वना दें। प्रभु हमारा हाथ पकड़कर हमें ले चले। जब तू हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। प्रियजनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से जो गलत रिश्तों में हैं, जिनके घर गलत रिश्तों के कारण टूटे हैं, प्रभु उन पर दया करें। अंतिम भेद में हम प्रभु की दया की याचना करें और प्रभु से क्षमा मांगते हुए हम स्वयं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो विश्वास की जो बुलाहट है, सेवकाई की जो बुलाहट है, कायम रहे, इसी कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वर का तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मुझ पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मुझ पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मुझ पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मुझ पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मुझ पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मुझ पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मुझ पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मुझ पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मुझ पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मुझ पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मुझ पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मुझ पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और पूरे संसार पर और मुझ पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर पूरे संसार पर और मुझ पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर पूरे संसार पर और मुझ पर दया कर। करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमेन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता व अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को, जो कष्ट, पीड़ा व रोगों से ग्रसित हैं, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ईश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया है हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छी से छेदा गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने समान बना दे। आइए घुटनों पर आ जाए, हाथों को उठाएं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा।
प्रभु हमें स्पर्श करे, अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करे। हमने जो मांगा है, हे प्रभु तेरी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाए। सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दृष्टि डाल, और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है उस पर ध्यान देने की कृपा कर। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर दे। हे प्रभु तेरी इस प्रजा पर जो ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेती है और जो तेरी वेदी के सामने बैठे हैं, इनके मनोरथों को पूरा कर दे। इनकी मेहनत मजदूरी को, इनके बिजनेस को, इनके काम काज को आशीष दे। संतानों को ब्लेस कर। इनके घर के चारों कोनों में रक्षा स्तंभ लग जाए, आग की दीवार बनकर इनके घर की रखवाली कर। तेरा स्वर्गदूत मिखाएल तलवार लेकर इनकी रक्षा करे। तेरे स्वर्गदूत इनके घरों पर पहरा दे और इन्हें सुरक्षित रखने की कृपा कर। तेरे इन बच्चों के जीवन से हर प्रकार की बुराई, अंधकार की शक्तियां, हर प्रकार की दुष्टता इनके जीवन से दूर हो जाए। इन्हें तेरे पवित्र लहू से विलेपन करता हूं। इनके जीवन पर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। शुद्ध करे, शुद्ध करे, पवित्र करे, पवित्र करे। हे प्रभु यीशु, इन बीमारों पर जो रोगशैया पर आईसीयू में है, जिनके घावों का इलाज नहीं है परंतु आप इनके इलाज कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपने कहा मांगो और मिलेगा, खटखटाओ खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। जो मांगता उसे दिया जाता, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाता, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। हे प्रभु यीशु, हम दया की याचना करते हैं। हम पर और हमारे परिवार पर, माता पिता पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर दया कर। भाई बहनों पर, रिश्तेदारों पर, मित्र बंधुओं पर दया कर, जिन्होंने हमसे प्रार्थना मांगी है, इनकी दीन याचना पूरी कर दे। देश के अधिकारियों, पुरोहितों, शासकों, प्रशासकों, नेताओं पर, धर्माधिकारियों पर दया कर, जिससे कि वह निस्वार्थ रूप से तेरी प्रजा की देखभाल कर सके। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। सबको जय यीशु की, प्रभु आपको आशीष दे। संध्या 7 बजे पुनः आपके साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे और एक साथ मिलकर स्तुति प्रशंसा करेंगे। तब तक के लिए प्रभु की आशीष में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।